हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में एनपीके 19:19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है और क्या इसका सही समय पीरियड है। यदि आप अपनी गेहूं की फसल कर रहे हैं तो हमें गेहूँ की फसल में एनपीके 19:19:19 का प्रयोग कब करना चाहिए, जिससे हमारी जो गेहूँ की फसल उससे हमें अच्छा पैदावार मिल सके। और इसमें बात करें कि अगर हम एनपीके 19:19 का प्रयोग नहीं करते तो उससे हमें क्या हानि होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। को जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी साल से यूट्यूब चला रहा हूँ और काफ़ी साल से करीब 8-9 साल से हम गेहूँ की खेती और अन्य फसलों की खेती कर रहा हूँ। जो मैं अपनी वीडियो में शेयर करता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा पीछे फॉर्म है, उसमें हमने गेहूँ की फसल लगाई है। तो जो मैं चीज़ें यूज करता हूँ, जो मैं चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, जिस खाद का प्रयोग करता हूँ, जिसका रिजल्ट मेरे को अच्छा लगता है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे हमारे जो काफ़ी नए युवा किसान भाई खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उन पर अच्छी चीज़ें पहुँच सके, वो अच्छा पैदावार ले सके, कम खर्चे में अच्छी लागत कैसे करके अच्छी पैदावार कैसे करके ले सकें। तो इसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं किसान भाइयों। तो मैं आइएगा शुरू करते हैं कि आज की हमारा जो टॉपिक है कि एनपीके 19:19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं। किसान भाई, जैसे कि हम बात करते हैं कि एनपीके 19:19 में क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आपको बेसिक सी चीज़ पता है कि एनपीके 19:19:19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस एंड 19% पोटास है। ये तीन चीज़ें ऐसी है किसान भाई कि कोई भी आप फसल कर रहे हो, गेहूँ की, गन्ने की, धान की, या कोई भी आप फसल करो, तो हमारी फसल के लिए तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये तीन चीज़ों के बिना हम कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी जो गेहूँ की फसल है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक तीनों पोषक तत्व हैं। काफ़ी हमारे किसानों को ये बेसिक सी चीज़ पता है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए रिपीट करूँ, कुछ हमारे नए किसान भाई जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो किसान भाई, जैसे कि हमारे जो एनपीके 19:19 है उसमें तीन, जैसे ही मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो इनका देने का एक सही समय पीरियड होता है, और आप सही समय पर दे देते हो तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाई, एनपीके जो 19:19 है, जो फ़ायदा क्या करता है, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो हमारी जो गेहूँ की फसल उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और फास्फोरस की अगर हम बात करें किसान भाई, तो हमारी जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत, उनकी जो क्वांटिटी होती है उनको बढ़ाने में, जड़ों को मजबूत तरीके से करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। क्योंकि किसान भाई, अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हमारा गेहूँ की जो पैदावार है ऊपर से आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। और जो पोटास है किसान भाई, पोटास हमारे तने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। जैसे कि हमारे जो गेहूँ की फसल देख रहे हैं, इसका अगर तना मजबूत होगा तो हमारा गेहूँ अच्छा लगेगा और अच्छी पैदावार निकल करके आएगी। अभी नहीं, जब हमारी बालियाँ आ जाती हैं उस समय पर देखा होगा कि हमारी बालियाँ गिर जाती हैं, यानी कि हमारे गेहूँ गिर जाते हैं। तो उसमें ये होता है किसान भाई कि इसमें फास्फोरस, पोटास की कमी रह जाती है, जिस वजह से हमारा जो गेहूँ होता है गिर जाता है, काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है उस मौके पर। तो अब बात करते हैं किसान भाई कि एनपीके 19:19 का प्रयोग हमें कौन से समय पर करना चाहिए, जिससे हमारी जो गेहूँ की फसल है उसमें हमें अच्छा पैदावार मिल सके। तो किसान भाई, जो सही समय पीरियड जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, पिछले 8-9 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी हमारे किसान भी बताते हैं 50 दिन के बाद, 40 दिन के बाद या 70 दिन के बाद कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों। जो मैं आपको बताऊँगा किसान भाइयों, आपको 38 से लेकर 45 दिन, ये जो 7 दिन का टाइम है, इन 7 दिन में आप कम से कम 38 दिन या 35 दिन की आपकी फसल है, और लास्ट 45 दिन तक आप अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 19:19:19 का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आप करते हैं, रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सही रिजल्ट सही समय पर भोजन मिलने पर मिलता है, वही सब रिजल्ट आपको मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बाद में करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। दूसरा, किसान भी आपको सही मात्रा की मैं बात करूँ, काफ़ी हमारे किसान भी कहते हैं कि भाई 1 किलो का कर दो, 1.5 किलो का कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। किसान भाई, आपको अपनी ज़मीन को देखना है कि ज़मीन में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है और आपकी काली दोमट मिट्टी है तो आपको कितना प्रयोग करना है। किसान भाई, अगर आपकी काली दोमट मिट्टी है तो आपको एनपीके 19:19 का 1 किलोग्राम प्रयोग करना है। यदि आपकी रेताली मिट्टी है तो किसान भाई आपको 1 किलो 200 ग्राम का प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाई, एक ज़मीन होती है उसकी खुराक होती है, अगर आप उस खुराक के हिसाब से देंगे तभी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। तो इस हिसाब से आपको किसान भाई, अगर आपकी चिकनी दोमट मिट्टी है तो आप 1 किलोग्राम लाएं और उसका घोल, किसान भाई आपको साफ पानी बनाना और करीब 140 से लेकर 160 लीटर पानी में घोल तैयार करना है। कुछ हमारे किसान भी इस पर भी गलती करते हैं कि सही तरीके से घोल नहीं बना पाते, जिससे उनकी पैदावार कम निकल करके आती है, क्योंकि सही तरीके से छिड़काव भी नहीं हो पाता है तो कहाँ से पैदावार होगी। तो इस तरीके से आपको किसान भाई करना है कि आपको एनपीके 19:19 का प्रयोग 38 से लेकर 45 दिन में कर देना है, और उसके साथ में आपको 1 किलोग्राम का प्रयोग करना है। रेताली ज़मीन है तो आपको 1 किलो 200 ग्राम का प्रयोग करना है और 160 लीटर कम से कम पानी में घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। किसान भी, अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो अपनी गेहूं की फसल, जैसे कि हमारी देख रहे हैं,
अभी मैंने नहीं किया लेकिन मैं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी अभी 30 दिन की ये फसल हुई है। 30 दिन के बाद जैसे 15 दिन होंगे, 15 दिन से पहले मैं इसमें NPK 1919 का प्रयोग कर दूंगा। तो अगर आप कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे जो युवा किसान भाई खेती कर रहे हैं उन पर हमारी जानकारी पहुँच सके और अपनी फसल से अच्छा पैदावार ले पाएँ। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, जो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।